आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। देखिए, आज जो है मास कम्युनिकेशन का मैंने जो है प्रैक्टिकल, बहुत बच्चे परेशान थे कि मास कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल चाहिए, तो उनके लिए बना दिया है। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से हिसाब समझिएगा। सबसे पहले तो आपको फहरिस्त बनानी है, क्या क्या आप इसमें लिख रहे हैं। साफ़ और वाजे, फहम की बनावट, इशाअती ज़राए इबलाग और इख्तियारात के मुताले की आदत डालना, अखबारात के मुताले की, इंटरव्यू की तैयारी, रेडियो में बोली जाने वाली बातें, रेडियो प्रोग्राम में मुख्तलिफ और कम्युनिकेशन के दो मुख्तलिफ ज़राए, टेलीविज़न चैनलों की ज़ुमराबंदी, इशाअती ज़राए इबलाग के इशाअती ज़राए इबलाग में चारों अवामी ताल्लुकात के फ़रोग में शामिल, इंटरनेट पर फराहम होने वाली सहूलियात, ईमेल अकाउंट्स खोलना, रिवायती ज़राए इबलाग के ज़राए तल से रिवायती ज़राए की शक्लों की साफ तस्वीर खींचना, फ़ोटो फीचर की तैयारी। तो ये जो है हमारा सबसे पहले प्रैक्टिकल वन है। प्रैक्टिकल वन के अंदर क्या करना होगा आपको, अगराज व मकासद, तरसील में पैगाम की तस्वीर को समझना और एक साफ और वाजे बयान को किस तरह बनाना, तहरीर किया जा सकता है सीखना। तरीक़ाकार क्या है इसका, मतलब कैसे तरीक़ाकार है कि ट्रेन का मैनेजर का नंबर और नाम बताएं, तारीख और स्टेशन पर पहुंचने का वक्त बताएं जहां आपका दोस्त आपको मिलने आएगा, रेलवे स्टेशन का नाम बता दिए, इसके लिए एक शहर में एक से ज़्यादा रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, इस पैगाम को अपने दोस्त के मोबाइल पर भेजें। जैसे मिसाल के तौर पे ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम गढ़वाल एक्सप्रेस 7:10 पर, दोस्त का नाम राजू है। नतीजा इसमें कम्युनिकेशन की तहरीर अपनी ज़बानी दोनों सूरतें इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये पहला है आपका। इसके बाद जो है प्रैक्टिकल टू शुरू होता है, जिसके अंदर बताया गया है अगराज व मकासिद। ये समझने के मुख्तलिफ सूरतों में गैर जबानी तरसील के लिए इशारों और चेहरों का तासुरात को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले इसका तरीक़ाकार है, कुछ अखबारात और वसाइल को इंतखाब कीजिए, इस तरह के जो छः तस्वीर की शनाख्त कीजिए। गैर जबानी तरसील को बयान करती हैं, इन तस्वीर को काटें और सादा कॉपी पर चिपकाएं दीजिए। इस पर तस्वीर के नीचे साफ और वाजे तौर पर देखने को क्या बता रही है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर से। तो इस तरह आप अखबार में से काट के जो के इशारों से बात करें, दिमाग की तरफ इशारा, और यहाँ सेविंग लिखा हुआ है, मतलब दिमाग से जो है सेविंग की तरफ इशारा। और भी है, देखिए ये फोटो है इसके अंदर, और ये ब्रेन की तरफ इशारा है, देख सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा पूरी इमेज का, ठीक है, अगर आप जो है नहीं चिपकाना चाहते बाहर से, तो ये ठीक है जी। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 3 है अगराज व मकासिद। ये सफ़े आप में अखबार को संजीदगी के साथ आदत को बढ़ावा देगा। तरीक़ाकार, रोज़ाना अखबार की एक कॉपी ले, यह अंग्रेज़ी का अखबार भी हो सकता है या किसी मकामी ज़बान का अखबार भी हो सकता है, उसको जैसे मंदरजा ज़ेल ज़ुमरों के मुताबिक ख़बरों को पेश कर दीजिए। आपको इन ख़बरों की तादाद शुमार करना है जो एक मखसूस ज़ुमरे के तहत छपी हैं। सियासत फैशन की तस्वीर, मईशत रोज़गार, इंसानी मफादात, तालीम, खेल कूद, साइंस, फ़न और सकाफत, शेर व तफरी और स्टॉक मार्केट, टेक्नोलॉजी, खारजी अमवार। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सियासत की तस्वीर है, आपको जो अच्छी लगी वो लगा दीजिए, जो मुझे मिली मैंने लगा दी। ये एक तस्वीर है, ठीक है, और थोड़ी सी उल्टी लग गई है, तो आप इसको जो है थोड़ा ध्यान से सीधा कर लीजिएगा। ये पिक्चर है और एक ही है, ठीक है। इसके बाद जो है अगले पेज पे भी कुछ तस्वीर है, प्रोफेसर नजमा अख्तर की जामिया वफन मुबारकबाद दे रही हैं, और दूसरी तस्वीर ये है। इसके बाद है नतीजा, आप में से अखबार का नतीजा क्या है, इसमें से किसी ज़ुमरे की खबर को ज़्यादा जगह है, सियासत की खबरों को ज़्यादा जगह मिली, क्या इस ज़ुमरों में कोई ऐसा है
जिसके बारे में अखबार कुछ नहीं छपा, आपके बारे में दूसरे जुमरों के अखबार में कोई खबर छपी नहीं चाहिए। अखबार में तकरीबन सभी तरह की खबरें छपी होती हैं। अखबार की जबान सादा और आसानी से समझी जा सकती है। अखबार की दिलचस्पी किसी मैदान से ताल्लुक रखती है, खेल कूद, सियासत, स्टॉक मार्केट, समाजी मसाइल और टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 पे। इस मश्क में आपको ये आम तसव्वुर मिलेगा कि लोगों का इंटरव्यू किस लिए ज़रूरी के लिए ज़रूरी तैयारियां और लोगों के साथ अमल का बाहम किस तरह किया जाता है। तरीक़ाकार, आए हम फर्ज करते हैं कि मेज़ूनी ने आलमी मुकाबले उनमें दूसरा मकाम हासिल किया जो कि गैर मुल्की मुल्क में हुआ था। एक मकामी रोज़नामे के नामा निगार की हैसियत से आपको इसका इंटरव्यू के लिए 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 5 सवाल तैयार किए उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। 5 सवाल वो ये हैं, आपने इस मुकाबले की तैयारी कैसे की, क्या आपको इस मुकाबले में मकाम हासिल करने की उम्मीद थी, इससे आपके करियर में कुछ बदलेगा, आपको अब कैसा महसूस हो रहा है, आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे। तो ये 5 सवाल पूछेंगे। बी, आए हम फर्ज करते हैं कि मैं एक बड़े मशहूर फिल्म अदाकार आया बड़ी दुकान का इफ्तिताह करने के लिए आपकी कॉलोनी में आ रहा है। आपको उसके इंटरव्यू के लिए 20 मिनट का वक्त मिलेगा। उस अदाकार से 8 सवाल पूछने के लिए तैयार कीजिए। तो इसका जवाब है, आपको आजकल क्या क्या मसरूफियात हैं, आपकी आने वाली फ़िल्म का क्या नाम है, आपके अलावा आप और कौन कौन सी फिल्मों में काम कर रहे हैं, आपकी मौजूदा फिल्म कब रिलीज़ होगी, इसमें आपका क्या किरदार है, ये फिल्म किस टाइप की है, इस फिल्म का बजट कितना है, इसमें आपके हीरोइन कौन है। नतीजा, लोगों का इंटरव्यू करने में तैयारी किस तरह मदद करती है, सवाल हमारे जहन में कैसे में मौजूद होता है। इंटरव्यू से आपके मिलने मिलने वालों से बात करके, अगर आप एक सहाफ़ी हैं तो आपको महसूस मखसूस मैदान कौन सा होगा, इस मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले इसे मुबाहिद अफराद के ज़िक्र भी आपके इंटरव्यू में करना है। मेरी सहाफ़त का मैदान हो या सियासत से मुतल्लिक़, अगला सफ़ा, राहुल गांधी, मोदी, सोनिया गांधी, केजरीवाल, राघव चड्ढा, क्या आप अखबार में छाए होने वाले इंटरव्यू को टेलीविज़न पर देखेंगे, इंटरव्यू से बेहतर मानते हैं, अपने जवाब की दलीलों के साथ समझें। टीवी पर इंटरव्यू बेहतर होता है, वह आमने सामने होता है और हम उसको अपनी आंखों से और कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 5 है, अगराज और मकासद, ज़बान से अदा किए गए लफ्ज़ की खसूसियत को समझना और जानना, यह अखबार में छपे तहरीर लफ्ज़ से क्यों मुख्तलिफ है। तरीक़ाकार, रेडियो पर किसी भी जबान में खबरों का बुलेटिन सुने, किसी बड़ी खबर के उनवान लाइन का इंतखाब कीजिए जो आपकी खबरों को बुलेटिन के एतबार से सुनते हैं। जब खबर शुरू हो तो उस वक्त नोट कीजिए और ये पता लगाने की कि इस खबर के लिए कितने सेकंड इस्तेमाल किए। दूसरे दिन की अखबार पढ़ें जो आपके घर में मौजूद है, इस खबर को पढ़ने और जो आपने रेडियो पर सुनी। मशाहिदती टेबल, ज़राए तबलीग बाखबर खबर के बारे में, रेडियो उम्दा खबर के लिए इस्तेमाल होने वाले सेकंड 30, अखबारी खबर के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज 100 अल्फाज। टेलीविज़न से उम्दा है, ये टेलीविज़न बहुत उम्दा है रेडियो में, इससे 30 सेकंड लगे, इससे 60 सेकंड यानी 1 मिनट। तो ये इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसके बाद अगले इसमें पॉइंट है आगे कि रेडियो पर आपने जिस खबर का इंतखाब किया था उसकी मौत क्या थी, मुद्दत क्या थी, उसकी मुद्दत 60 सेकंड थी। अब अखबार में इस खबर के लिए इस्तेमाल होने वाले
अल्फाज का शुमार कीजिए। अखबार में इस खबर के तकरीबन 200 अल्फाज लिखे गए थे। इसके बाद है दोनों ज़राए इब्लाग में बुनियादी फ़र्क क्या है, इनमें तीन फ़र्क के बारे में बताएं। रेडियो एक ज़बानी तरसील है जबकि अखबार तहरीरी तरसील है। रेडियो की खबर को सुनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, अखबार के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नंबर अब 6 है। प्रैक्टिकल जो 6 है उसके अंदर अगराग व मकासिद ये है, रेडियो के मुख्तलिफ शक्लों की शनाख्त करें। तरीक़ाकार यहाँ पे है कि शाम 5 बजे से रात 10 बजे के दरमियान ऑल इंडिया रेडियो के मीडियम स्टेशनों को लगाएं, इसी दौरान के तमाम प्रोग्राम के लिए प्रोग्रामिंग शक्लों में ध्यान दीजिए। नतीजा, कौन सी ऐसी शक्ल है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? स्पोर्ट खबर को और रेशो पर कम्युनिटी सुनना अच्छा लगता है। आपने मौसीकी प्रोग्राम की किन किस्मों को सुना है? सलीकी मौसीकी और पॉप मौसीकी यानी म्यूजिक। प्रैक्टिकल नंबर अब 7 है, इसमें अगराज व मकासिद ज़राए तरसील के तौर पर टेलीविज़न और इशाती ज़राए इब्लाग के फ़र्क को समझना। तरीक़ाकार अखबार, अगर आप घर पर अखबार मांगते हैं तो उसकी इंतखाब के लिए दूरदर्शन पर खबरों का प्रोग्राम। 3 ऐसी खबरों का इंतखाब कीजिए जो अखबार में छपी हैं और टेलीविज़न की खबरों को बुलेटिन में भी शामिल थी। कौमी खबरों और खेल कूद की खबरों में एक एक खबर का इंतखाब कीजिए। 1 बुलेटिन का अखबार पढ़ें, अपनी पसंद की खबरों में खसूसी ध्यान दीजिए। इस हफ्ते के दौरान टेलीविज़न पर खबरों के प्रोग्राम भी देखिए और अपनी चुनी चीज़ों पर खसूसी तौर पर ध्यान दीजिए। अपने मुशाहदात को नए टेबल में दर्ज कीजिए। इसके बाद खबरें ढूंढी खबरें, ठीक है, अखबार टेलीविज़न पे प्रोग्राम। टेलीविज़न पर खबरें लिखने का वक्त 1/2 घंटा 2 घंटे पूरा कमरा बैठने की जगह में कुछ ज़राए तौर, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा साफ लिखा हुआ है, ज़्यादा तो ये ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, आप इसमें से देख लीजिएगा जो भी आप। इसके बाद नतीजा है, इसके अंदर 16 के इस खबर के बारे में बताएंगे। टेलीविज़न सबसे ज़्यादा वक्त और अखबार में सबसे ज़्यादा जगह दी गई है। सियासत की खबर को सबसे ज़्यादा जगह दी गई है। किसी की खबरें ज़्यादा बशीरी मवाद मौजूद है, ठीक है जी। इस तरह ही आप पूरा इसको कर दीजिएगा। प्रैक्टिकल नंबर 8 है, 8 में अगराज व मकासिद मुख्तलिफ किस्म के टेलीविज़न चैनलों के दरमियान फ़र्क करना और उसको ज़ुमराबंदी करना। तो आप ये देख लिए यहाँ से कर लीजिए, अगर मैं पढ़ूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग चैनल हैं और इन चैनलों के प्रोग्रामों की अकसाम दे रखी हैं, ठीक है। एक क्रिकेट आता है स्टार स्पोर्ट पे, टेनिस आता है डेन स्पोर्ट, डीडी स्पोर्ट तुर्की, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। अब जो है प्रैक्टिकल कार्टून चैनल हैं, ठीक है, पोगो टीवी ये सब है, पागान फिल्मी चैनल ये रहा है, ठीक है, स्टार मूवी, जी सिनेमा, जी बॉलीवुड, जी एक्शन, ठीक है भाई। अब इसमें प्रैक्टिकल लग रहा है अगराज इश्तिहार की मुख्तलिफ शक्लों को खोज कर उनके बारे में लिखना। तरीक़ाकार ये रहा, ये इश्तिहार की मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इश्तिहार की एक ये पिक्चर लगा दी है, बड़ी है, तो इसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ये लीजिए, इतनी ये रही और न्यू कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकें, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट कर सकेंगे। इसके बाद जो है अगला है प्रैक्टिकल नंबर 10 हमारा, इसमें अगराज व मकासिद मसनूआत और ताल्लुकात के तसव्वुर को समझना। यहाँ मसनूआत है, अपने पड़ोस में शनाख्त कीजिए और ये सारी बातें, मसनूआत क्या है, कपड़ा, खाना, कॉस्मेटिक ये सब है, जूते और तो ये कपड़े लोजा ये सब देखना। इसके बाद नतीजा, क्या आप एक ही तरह की चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसी तरह बेचा जा रहा है। इसके बाद ये देख लीजिए, इसके बाद ये देख लीजिए और इसके बाद यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वक्त कम है। और ये जो है पूरा था प्रैक्टिकल 11 है, इसमें अगराज व मकासिद है, वेबसाइट के ज़रिए मुख्तलिफ तंजीमों को पेश करदा सहूलियात और उन तंजीमों के तक ज़ाती तौर पर
जाए बगैर ख़ुद को वाकिफ़ कराने का तरीका, ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखिए क्या तरीका है। ठीक है, पसंदीदा मकाम, ताजमहल, तरजीह, ये सब। इसके बाद जो है डीसी कोच और ये सब लिखा हुआ है, सब लिख लिया। टेबल बनी हुई है, ट्रेन का नाम, चलने का वक्त, ठीक है, पहुँचने का वक्त, मुद्दत, कितने घंटे लगेंगे, टिकट कितने का है, ये सारी, और टोटल टिकट की लागत क्या है। प्रैक्टिकल नंबर 12 है, ईमेल अकाउंट देखना, खोलने का तरीका, ईमेल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत साफ साफ ली है। नतीजा, भेजने का आसान तरीका कौन सा है, खत भेजने का आसान तरीका है, सारी चीज़ें बस नहीं लगे। अब इसके बाद प्रैक्टिकल 13 इसी में, कि अगराज़ व मकासिद क्या है। इस अमल की सरगर्मी से आपको ये समझने में मदद मिलेगी, रिवायती तरीका कार क्या है। अपने पड़ोस के किसी सामाजिक मसाइल की शनाख्त कीजिए, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अगर आपको प्रैक्टिकल बनवाने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बने बनाए मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो भी आपको चाहिए। नतीजा ये इसके अंदर लिख दीजिएगा, 30 पेज हो गए तकरीबन ये, अब हम आ गए 31वें पेज पे, प्रैक्टिकल नंबर 14 पे। अगर आज हम इस सरगर्मी से आपको रिवायती ज़राए ब्लाक की शक्लों में नौयत और समाज में उसके अमल को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है जी, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो भाई ये समझ लो एक घंटा तकरीबन लग जाएगा, इसी वजह से शुरू का तो मैंने पढ़ दिया थोड़ा सा। तस्वीर अगर आज प्रैक्टिकल बन रहा है, अगर आज मकान से तस्वीर खींचने के मुख्तलिफ मराइल को समझने के साथ साथ फोटो स्टूडियो में मौजूद सारा सामान का मुशाहिदा, क्या क्या सामान होता है उसमें, ये सब लिख रखा है मैंने, कैमरा, रोशनी, कंप्यूटर, प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, आप जब जाएँ फ़ोटो खिंचवाने वहाँ पर देख लीजिएगा, वही सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है जी। ये सब चीज़ 16वां आखिरी है, अगर आज तस्वीर की फ़ोटो जर्नलिज्म के मुख्तलिफ ज़ुमरों में दर्जा बंदी की शक्ल में समझने के साथ साथ तस्वीर के सिलसिले के ज़रिए कहानी की कोशिश करना, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये तस्वीर मैंने लगाई, रहनुमा बता रहा है, तो इस तरह ये तस्वीर दिखाई है, इसी तरह आप देखा दिल गार्डन, गार्डन हो गया, ठीक है, तो इस तरह से मैंने पिक्चर, आप इनको क्लिक कर लें और जो है ये पूरा हो गया प्रैक्टिकल यहाँ पर। अगर आपको किसी भी तरह का प्रैक्टिकल चाहिए या बनवाना है असाइनमेंट या नोट्स वगैरह चाहिए किसी सब्जेक्ट के, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स भी दे देंगे, प्रैक्टिकल भी दे देंगे, पीडीएफ की शक्ल में भी, हार्ड कॉपी में भी। और वीडियो पसंद आती है हमारी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। शुक्रिया।